दिल मिल ही जाएगा हाथ मिलाते रहिए। कवर सॉन्ग्स गाने के नुकसान क्या हैं? किसी और के गाने को गाना ये एक प्रथा है संगीत में। हम जब भी संगीत सीखते हैं या हमें पसंद आता है कोई गाना, हमने सुना हमें पसंद आया तो हम वो गाना गाने का ट्राई करते हैं, वो गाना हम तैयार करने की कोशिश करते हैं। और संगीत में होता यही है, सबसे पहले आप इमिटेट ही करते हैं, बाद में जाके आप उपज तक पहुंचते हैं। जब बंदिशें भी गा रहे हैं तो किसी और की बंदिशें पहले आप गाते हैं, या अगर आपने ताने आलाप ताने भी सीखी हैं तो किसी और की बनाई हुई पहले आप सीखते हैं, फिर आप वहाँ तक आते हैं। तो आज इस पर हम चर्चा करते हैं कि क्या कवर सॉन्ग्स हमें गाने चाहिए और उसके फ़ायदे नुकसान क्या होते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिए और जानिए। रियाज ऐप अ सिंगर्स कंपेनियन। अगर आपको सीखना है क्लासिकल म्यूज़िक या फिर कर्नाटक म्यूज़िक या फिर वेस्टर्न म्यूज़िक या फिर फिल्मी गाने, तो अभी डाउनलोड कीजिए इस एप्लीकेशन को, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और तानपुरा आपको इसमें मिलता है, आपका स्वर मीटर आपको मिल जाता है, आपकी रेंज कितनी है वो मालूम चल जाती है। तो बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन से अच्छे अच्छे टीचर्स आपको इसमें सिखा रहे हैं, तो डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जैसा कि मैंने बताया, एक वीडियो मैंने बहुत साल पहले दिया था जिसमें मैंने क्रिएटिविटी या प्रोडक्टिविटी पर बात की थी, यानी उपज पर बात की थी कि उपज कैसे होती है। पहले आप मॉडिफिकेशन करते हैं फिर आप क्रिएशन करते हैं, ये मैंने एक चीज़ उसमें समझाई थी। अब इसका क्या मतलब होता है, हम किसी भी गुरु से सीख रहे हैं तो हमने एक तरीका उनका सीखा, क्योंकि गुरुमुखी विद्या है तो उन्होंने हमें एक अलंकार दिया कि सारे गमा पद निसा ऐसे गाते हैं, या एक बंदिश दी कि ये बंदिश ऐसे गाया जाता है, या एक गाना दिया कि ये गाना ऐसे गाया जाता है। हमने गाया, फिर हम उसमें वेरिएट करने की कोशिश करते हैं, हम उसमें मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं कि इसमें ये ऐसी लाइन ले के इसकी बजाय ऐसे ले लें तो कैसा होगा, क्या वो सही होगा। फिर आप चेक करते हैं कि क्या ये चलन के अनुसार ठीक है, या उस इमोशन को बरकरार रख पा रहा है कि नहीं, या ये नियमों से अलग तो नहीं जा रहा, या ये सुनने में अच्छा तो लग रहा है, सुमधुर तो है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, हम मॉडिफाई कर रहे हैं, वेरिएट कर रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे एक स्टेज आती है जब आपको वही छोटे छोटे मॉडिफिकेशन, वही छोटे छोटे वेरिएशंस आपको इकट्ठा करके आप एक नए एक चीज़ का निर्माण कर बैठते हैं, एक नए अलंकार का, नई राग का, नई बंदिश का, नए गाने का, नई गज़ल का आप एक निर्माण कर बैठते हैं, उसे कहते हैं क्रिएशन। तो क्रिएशन जो है ये एक प्रोसेस है जिससे अगर आप गुजरो तो अच्छी हो सकती है ना, एक विधिवत क्रिएशन का तरीका है इसे कहते हैं। वरना क्रिएशन तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये सब सीखना पड़ता है, उपज तो ऐसी चीज़ है कि ऑटोमेटिक हो जाती है, आपने कुछ नहीं भी सीखा है तब भी आप धुनें बनाते हैं, आप गाने बनाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्रिएशन सिर्फ इसी ढंग से आती है, मैं एक तरीका बता रहा हूँ, एक विधिवत तरीका बता रहा हूँ कि अगर किसी को सीखना है कि एक ढंग से कि भाई मुझे कुछ बनाना है तो कैसे बनाओगे, पहले जो दी हुई चीज़ें हैं उसमें वेरिएट करो, उसमें कुछ मॉडिफाई करके देखो, फिर धीरे धीरे आप ट्राई करो कि अब चलो मैं मॉडिफिकेशन तो सीख गया हूँ, कि मैं एक चीज़ को बदलाव करना सीख गया हूँ, कि मैं रटी हुई चीज़ तो अब मैं बदल सकता हूँ। तो अब कोशिश करो कि खुद से ही कुछ नव निर्माण करो कुछ, क्योंकि दिमाग उस वे में फिर चलने लगता है। तो ये एक तरीका है उपज का। अब कवर सॉन्ग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हम किसी का भी गाना किसी और का गाया हुआ, किसी और का लिखा हुआ, किसी और का बनाया हुआ खुद गाते हैं। मैं खुद भी बहुत सारी गज़लें गाता हूँ जो ग़ुलाम अली साहब की हैं, जगजीत साहब की हैं, मेहदी हसन साहब की हैं, तलत अज़ीज़ साहब की हैं, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, चंदन दास साहब की हैं, उनकी गज़लें मैं गाता हूँ। गाने जो हैं फिल्मी गाने, पुराने गाने हम लोग गाते हैं, सब लोग गाते हैं। हमें हम क्या कर रहे होते हैं, हम इमिटेट कर रहे होते हैं। जैसे कि एक मिमिक्री आर्टिस्ट, कोई भी मिमिक्री आर्टिस्ट है वो किसी भी आर्टिस्ट की मिमिक्री कर रहा है, यानी उसकी आवाज़ निकाल रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी हेयर स्टाइल, उसका लुक वो निकाल रहा है और आपके सामने इमिटेट करके कॉपी करके खड़ा हो जाता है। आपको बड़ा अच्छा लगता है, आपको आप बड़ी तारीफ करते हैं कि अरे वाह क्या बात है ना। या आपने कोई ग़ुलाम अली खां साहब की गज़ल सुनाई या अरिजीत सिंह साहब का कोई गाना सुनाया तो आपकी तारीफ हो जाएगी, अरे वाह क्या बात है। लेकिन हम एक्चुअली में एक भूल कर रहे हैं, एक चीज़ हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वो सारी जो दाद है, वो सारी जो तारीफ़ें हैं वो एक्चुअली में आपको नहीं मिल रही हैं, वो तारीफ़ें उसके रचयिता को मिल रही हैं, जिसने वो ओरिजिनल काम किया है उसे वो तारीफ़ें मिल रही हैं। अगर आप अमिताभ बच्चन साहब की बहुत अच्छी आवाज़ निकाल पा रहे हैं तो इसका मतलब वो तारीफ़ आपकी नहीं कि अरे वाह क्या बात है, वो मज़ा सामने वाले को क्यों आ रहा है, क्योंकि उसे वो आवाज़ सुनने को मिल रही है जो उसके पसंदीदा अभिनेता की है, उसके पसंदीदा शख्स की है ना, उसकी आवाज़ के वो दीवाने हैं जो आपने अभी अभी निकाली है। तो इसी तरह से जब आपने किसी की गज़ल गाई, ग़ुलाम अली साहब की कोई गज़ल गाई, या मेहदी साहब की, या फिर जगजीत साहब का कोई गीत गा दिया, या भजन गा दिया, या कोई सा भी फिल्मी गाना सुनाया, तो वो जिदाद मिलती है, वो सामने वाले को मजा क्यों आता है, उसको वो एक्साइटमेंट क्यों महसूस होती है, उसके अंदर कुछ तो महसूस होता होगा उसे, जब जैसे उसने वो गाना सुना उसकी कुछ मेमोरीज उससे कनेक्टेड हैं, उसकी कुछ यादें उससे जुड़ी हुई हैं, कुछ मीनिंग्स
वो अपने ढंग से उसको समझता है तो वो उस पर वाह देता है, उसके लिखे हुए उसके शब्दों पे वाह देता है, या ओरिजिनल जिसने गाया है उस पे वाह देता है, जिसने धुन बनाई है उस पे वाह देता है। और हाँ, थोड़ी बहुत वाह आपको भी मिलती है कि आपने क्या खूब निभाया है उसको, है ना। तो आपने क्या क्या गजब कर दिया अगर निभाया ही है तो। निभा बहुत से लोग रहे हैं। आज आप मिमिक्री कर रहे हैं, आज आपने कोई गुलाम अली खान साहब की या कोई गाना आपने सुना दिया है, आपसे बेहतर कल कोई और सुनाएगा, लोग उसकी तारीफ़ करेंगे। तो इमिटेट करने वाले बदलते रहेंगे, वो एक नहीं होता है कि जिसने इमिटेशन बहुत बढ़िया कर दिया। भाई माना जा सकता है कि यार अमिताभ बच्चन साहब की आवाज़, वो बढ़िया आदमी, वो आदमी जो है वो बहुत बढ़िया निकालता है, उससे बढ़िया तो कोई निकाल ही नहीं सकता। कल को उससे बढ़िया निकालने वाला कोई आ जाएगा तो लोग उसकी तारीफ करने लगेंगे। लेकिन इस पूरे दौर में अगर कोई हमेशा रहेगा जिसे लोग कभी नहीं भूलेंगे तो वो अमिताभ बच्चन होगा, है ना। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक मेटाफरिकल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो ओरिजिनल होता है उसको लोग कभी नहीं भूलते हैं, जो इमिटेटर्स होते हैं जो कॉपी कर रहे हैं या जो उसको कवर कर रहे हैं वो बदलते रहते हैं, सैकड़ों लोग हैं, है ना। तो आपको ऐसा बनना है कि आपको ट्रेंड फॉलो नहीं करना है, आपको ट्रेंड बनाना है। ऐसी कुछ चीज़ करनी है जिसको लोग इमिटेट करें, कि लोग सोचें कि अरे यार फलां व्यक्ति, अरे यार इसका गाना मुझे गाना चाहिए, तो लोग आपके गाने गाएं, आपको वहां तक पहुंचना चाहिए। तो इसीलिए मैंने पहले वो थ्योरी समझाई कि उपज जो है पहले वेरिएशन और मॉडिफिकेशन से आती है, इसीलिए हम लोग कवर सॉन्ग्स या दूसरों के गाने गाना शुरू करते हैं, है ना। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो डायरेक्ट उपज नहीं कर रहा है तो वो इस तरह से सीखता है। लेकिन मेरा बस ये कहना है कि उस स्टेज तक आपको आना है, आपको सिर्फ वेरिएशन और मॉडिफिकेशन की स्टेज में उलझ के नहीं रह जाना है कि कोई गाना हमने गा लिया, कोई गज़ल हमने गा ली तो अपने ढंग से दो चार उसमें अलग अलग वेरिएशन हरकतें कुछ दे दी तो अरे वाह इसमें यही बहुत हो गया। ये बहुत नहीं हो गया, ये एक स्टेज है, इसकी अगली स्टेज क्रिएशन है कि वहाँ तक पहुँचना है, खुद नवनिर्माण, खुद के शब्द, खुद की कंपोजिशन और खुद की ही गायकी, आपको वहां तक पहुंचना है। गायकी भी इमिटेट करते हैं लोग, सिर्फ गाने ही नहीं, उसकी सिंगिंग स्टाइल भी लोग कॉपी करने लगते हैं, उसकी भी लोग तारीफ करेंगे। ऐसा नहीं है, मुझे बहुत सारे लोग आके कहते हैं कि अरे यार मेरी आवाज उनसे मिलती है ना, या मेरी गायकी उससे मिलती है ना, इसको वो अचीवमेंट समझते हैं। ये अचीवमेंट नहीं है, ये बहुत बुरी चीज़ है, ये बहुत ख़राब चीज़ है, क्योंकि इससे आपकी आइडेंटिटी खत्म हो रही है। फिर आप नहीं रहे, आप वो हो गए, है ना, जिसने वो गाया है, और उसके जैसे होने वाले बहुत से लोग हैं। तो ऐसा बनो कि आपके जैसे और बहुत से लोग हों। तो कवर सॉन्ग्स गाने का नुकसान ये नहीं कहूँगा बिल्कुल है, लेकिन ये है कि हाँ, वो जो तारीफ़ मिल रही है, वो जो दाद मिल रही है, वो आपको नहीं मिल रही, वो ओरिजिनल को मिल रही है। क्योंकि जैसे ही आपने कोई गाना सुनाया है तो सामने वाले के मन में वो एक इमोशन जगता है। वो क्यों जगता है? क्योंकि उसने वो गज़ल जब पहली बार सुनी थी, या उस गज़ल के साथ या उस गीत के साथ कुछ कुछ मेमोरीज़ हैं, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई, अरे वाह यार मैं वो गाया करता था, या मैंने तब वो सुनी थी, वो उसको क्लिक होती हैं, जिसके वो मज़े, उसको वो आनंद पैदा होता है, उसको वो लज्जत मिलती है। जब आपने कोई गज़ल सुनाई है तो आधे ऊपर लोग तो उसके शब्दों पर तारीफ़ कर रहे हैं, आपको लग रहा है मेरी गायकी पर तारीफ़, आपकी गायकी पर तारीफ़ नहीं हो रही है, ना आपकी कंपोजिशन तो आपकी है ही नहीं, तो तारीफ कंपोजिशन की अगर हुई तो आपकी नहीं हुई, है ना। या उस गायकी की अगर आप उसके अपने ढंग से गा रहे हैं तो फिर भी समझ आता है, लेकिन आपने एज इट इज गुलाम अली साहब को कॉपी कर दिया कि गुलाम अली ने ऐसी ऐसी गाई है और वही वही हरकतें ले ली तो ये हो गया। तो गायकी भी आपकी अपनी नहीं थी, तो अगर गायकी की भी तारीफ हुई तो वो भी आपकी नहीं रही अपनी, क्योंकि वो भी आपने इमिटेट करी है। तो ना कंपोजिशन आपकी अपनी, ना गायकी आपकी अपनी। या तो ये समझ आता है कि उनकी गज़ल आपने ली और उसकी कंपोजिशन चलो वही रखी, लेकिन उसको थोड़ा अलग ढंग से पेश किया तो ठीक है, वो छोटी मोटी जो वेरिएशंस आपने किए ना, वो छोटी छोटी तारीफ़ें आपको मिल गई। लेकिन अगर कंप्लीट तारीफ, कंप्लीट श्रेय, पूर्ण श्रेय अगर आपको लेना है कि हाँ ये मेरी चीज़ है, ये तारीफ मेरी है पूरी, या ये दाद मेरी है पूरी, ये क्रिटिसिज्म ये पूरा मेरा है, तो आपको खुद ओरिजिनल बनाना पड़ेगा। अब एक और समस्या होती है, एक और दिक्कत है कवर सॉन्ग्स के साथ या किसी और का गाना गाने में, एक नुकसान क्या होता है। आदमी का माइंडसेट जो है वो फिक्स होता है। जब एक बार उसने गुलाम अली साहब की गज़ल सुन ली तो उसको मालूम है ये चीज़ ऐसे होती है, उसको पता है कि ये कॉम्पोजिशन ऐसी है। अब उसमें आपने हल्का सा भी कुछ छेड़छाड़ किया और अगर ख़राब हो गया ना, तो उसे भद्दा लगेगा कि अरे यार ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, गुलाम अली साहब की तो ऐसी है कॉम्पोजिशन, है ना। तो कई लोग उस नई कॉम्पोजिशन को जो है वो ग्रैस्प भी नहीं कर पाते हैं, उसको सहन भी नहीं कर पाते हैं, है ना। हमने कई एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि हमने पुरानी गज़लें उठाई जो ऑलरेडी गाई हुई हैं, उनकी कॉम्पोजिशन बदल दी। कुछ लोगों को तो वो अपना लिया उस चीज़ को, लेकिन कुछ लोग खिलाफ़ कर रहे हैं कि नहीं ऐसे कैसे आपने, वो तो पूरी कॉम्पोजिशन बदल दी, पूरा गाना बिगाड़ दिया। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, इट्स ऑल अबाउट कंपोजर की वो क्या फिलोसफी, किस सोच के साथ उस गाने को बनाता है। मेरे फादर ने किस सोच के साथ बनाई, अब उसी गजल को मैं अपनी सोच के साथ अलग बना सकता हूं, उसी गीत को मैं अपनी सोच के साथ अलग बना सकता हूं। खान साहब ने कोई अगर बनाई, या किसी भी बड़े आर्टिस्ट ने कुछ बनाई, कोई बंदिश बनाई, उसे मैं अपनी तरफ से बना सकता हूं। कोई ख्याल क्या होता है, कोई छोटा ख्याल बड़ा ख्याल क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट थॉट्स। आपका ख्याल वो था, आपने वो बनाया, मैं अपना ख्याल पेश करता हूं, मैं अपना ख्याल प्रस्तुत करता हूं, अपनी फिलोसफी लगा के वो धुन अलग बनाता हूं।
तो ये चीज़ होती है। तो कवर सॉन्ग्स गाने में ये एक नुकसान और होता है कि माइंडसेट फिक्स होता है, फिर आपको उसको एकदम उस हद तक निभाना पड़ता है जिस हद तक उस ओरिजिनल गायक ने गाया, और जाहिर सी बात है वो चीज़ तो मुमकिन है नहीं, है ना। तो कब तक आप दूसरों के ही गाने गा गा कर और दूसरों की ही चीज़ें गा गा कर बजा बजा कर आप वो तारीफ़ें छोटी मोटी जो मिल रही हैं वो हासिल करेंगे या वो लूटेंगे, वो नहीं। आपको ऐसी कुछ चीज़ करनी है जिसमें वो संपूर्ण तारीफ, पूर्ण श्रेय जो है आप पर जाए। तो इसीलिए कुछ ओरिजिनल कीजिए, कुछ उपज तक पहुंचिए, है ना, वेरिएशन मॉडिफिकेशन करते करते क्रिएशन तक पहुंचिए, ठीक है। ऐसे ही देखते रहें संगीत प्रभाव वर्ल्ड के चैनल को, कुछ ना कुछ मैं नया लाता रहूँगा, कुछ उपज की बात करता रहूँगा, आप भी कुछ ना कुछ बनाते रहिए, ठीक है। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए।